त्रिपुरा ग्रामीण में एक एम्प्लॉयज फेडरेशन का ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, उसमें हम आए हैं। अपार्ट फ्रॉम लोकल इशू, आरएसबी का जो इशू है, मेन इशू है कि सब 43 आरएसबी वर्तमान देश में काम करते हैं, 26 राज्यों में, 3 यूनियन टेरिटरी में, इनको मिला के एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाया जाना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण बैंकों का जो निर्माण किया गया था वह टू सप्लीमेंट, एक अनुपूरक के रूप में किया गया था, तो कमर्शियल बैंक फेल हुए, कॉपरेटिव फेल हुए, इसलिए हुए। और ग्रामीण बैंकों ने पूरे देश के अंदर वर्तमान में लगभग 25,000 शाखाएं हैं, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेज हैं, स्टाफ 1,00,000 से कम है, लेकिन इनके इनका जो व्यवसाय है इस साल मार्च 2022 का आंकड़ा है 10,00,000 करोड़ का व्यवसाय हो जाएगा। ये पहला बात इम्पोर्टेंट बात है, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनने के उद्देश्य है कि गांवों के अंदर जो देश की जो केंद्र सरकार की योजना है, गांव गरीबी ग्रामीण बैंक, ये तीन चीजें, गांव भारत गांवों में बसता है, गांव में गरीब बसते हैं, उसमें ग्रामीण बैंक आर्थिक वक्ता के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनेगा और उसमें सरकारों को सबको अपनी सरकारी जमा रखना चाहिए, सरकारी इसको सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन सारे भुगतान के काम इनसे लेने चाहिए, लाभदायक। सरकारी डिपॉजिट में रखते नहीं, त्रिपुरा तो अपवाद है, त्रिपुरा में तो रखते हैं, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर सरकारी पैसा जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा इसमें रहे। दूसरी बात, प्रमोशन और अपॉइंटमेंट रूल्स, प्रमोशन अपॉइंटमेंट रूल स्पॉन्सर बैंक के बराबर होना चाहिए। तीसरा मुख्य मुद्दा है अनुकंपा नियुक्ति, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट जो किया था जिसे में मिला था 5 अगस्त 2014 को, दुर्भाग्य है कि 5 अगस्त 2014 को आया हुआ ग्रामीण बैंक में बोर्ड के एडॉप्शन की तारीख चेक किया गया, लेकिन 5 अगस्त 2014 से लेकर बोर्ड की तारीख तक के लोगों को इसके अंदर वो नहीं मिला जो मृत कर्मचारी हो गए थे। दे शुड बी गिविन ए चांस, मृत कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और इसके अलावा प्रमोशन के अंदर स्पॉन्सर बैंक के बराबर काम करते हैं, लेकिन उनके क्राइटेरिया जो है बहुत ज्यादा लंबा है, तो प्रमोशन का क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट के लिए, और भारत सरकार की जो अपॉइंटमेंट प्रमोशन रूल 2010 में पूरी स्वायत्तता है, पर स्पॉन्सर बैंक इसके अंदर टांग अड़ाता है और उनको रिक्रूटमेंट नहीं करने देता है। ग्रामीण बैंक का वर्तमान सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण बैंकों के अंदर स्टाफ बहुत तेजी से कम है, व्यवसाय बढ़ रहा है, काम सरकारी योजनाओं का सारा होता है, यह भी होना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं आया कि नहीं, लेकिन देश में एक थोड़ी महामारी हो रही है, क्रॉस सेलिंग के नाम पर, ये जो बीमा व्यवसाय है ना, क्रॉस सेलिंग के नाम पर बैंकों का एनपीए बढ़ता है। अब जब किसान 1,00,000 रुपए का लोन दिया और अगर उसको हम क्रॉस सेलिंग में बीमा करेंगे तो बीमा करिए तुम्हारा, ये उसके ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। इस प्रकार की सारी मांगे उसके लिए है और मुझे लगता है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक वैसे अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग आ रहा है, देश के जो 22 जो स्ट्रॉन्ग आरआरबी है उनमें से एक आरआरबी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में, लेकिन यह भी अच्छा है कि सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण बैंक बन सकता है, मिलकर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनना ही चाहिए। मुख्य मांग यह है नौकरशाहों से मुक्त होना चाहिए, नौकरशाह सरकार को विरोध करते हैं। 1915 में मैक्लावन कमेटी ने कहा था राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय कृषि बैंक होना चाहिए, अब तो 2022 है और खेती किसानी है। हमें अपेक्षा है वर्तमान जो केंद्र मोदी सरकार है नौकरशाहों से मुक्त होकर के, और यह राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की घोषणा, क्योंकि बीजेपी मुख्य आधार था एनआरबीआई में निकलकर, अपने उस कमिटमेंट को पूरा करें और राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक। मेरा नाम आरके गौतम है, मैं ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, राष्ट्रीय समन्वय ज्योति बीमा योजना करिए आप, उसका अटल पेंशन योजना करिए, और इस प्रकार की आप करना है टाई अप तो LIC ऑफ इंडिया से करिए, जैसा कि एक बार हुआ था मिस्टर कर्माकर MD नबार्ड के, कि एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर करना चाहिए। होता क्या है प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, तो ये भी एक प्रमुख कारण है, इससे भी हमको ग्रामीण बैंकों को बहुत बड़ा चुनौती पड़ा कदम। हमारा इतना ही कहना है कि वर्तमान ग्रामीण बैंक को क्या है सर, देखिए पेंशन लागू हुआ देश में हाहाकार मचा, 2 साल ग्रामीण बैंक लॉस में आए, कमर्शियल बैंक में लागू हुआ 5 साल तक हुआ, सरकार ने उनको कैपिटल इन्फ्यूजन किया था, ग्रामीण बैंक में तो कराई ही नहीं 18-19, 19-20 में, लेकिन 20-21 में प्रॉफिट में आ गया, RRB लेवल प्रॉफिट में है, कमर्शियल बैंक भी देखा जाए सारी शाखाएं प्रॉफिट में ही रहती है, लेकिन बैंक मिलकर के प्रॉफिट में आता है, इसी प्रकार ग्रामीण बैंक एज ए होल प्रॉफिट में है, इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनना चाहिए, प्रमोशन अपॉइंटमेंट रूल में सुधार होना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति में 5 अगस्त 2014 के बाद से सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, और जो मार्च के बिजनेस के आधार पर जो वैकेंसी और मैन पावर प्लानिंग है
उस पर आरआरबी के बोर्ड को ही करना है, जैसा कि 9 सितंबर 2020 को नेशनल मीट वर्चुअल मोड के अंदर कहा था, इसमें स्पॉन्सर बैंक के जनरल मैनेजर्स भी थे। तो उसके आधार पर रिक्रूटमेंट की पावर ग्रासरूट लेवल पे होनी चाहिए। आप देखते हैं कि शाखा में 1+1 होता है, चेयरमैन भी चाहे तो क्या करेगा, ब्रांच मैनेजर भी चाहे तो क्या करेगा, तो कई बार बड़ी डिफिकल्टी, छुट्टियां नहीं मिल पाती है लोगों को प्रेशर के कारण। वीआर तीसरी बार वीआरएस, लोग उन्हें वीआरएस दिया है। अब सेबेटिकल लीव और वीआरएस का ग्रामीण बैंक में और पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक में एक साथ नियम है। कमर्शियल बैंक में अब भी चल रहा है 120 दिन का मिलता है उनको लीव एनकैशमेंट वीआरएस दे। ग्रामीण बैंक में सडनली नबार्ड इज नॉट एन अथॉरिटी एट ऑल, वह 120 दिन का भी विड्रॉ कर लिया गया, 120 दिन का वह भी मिलना चाहिए। ग्रेचुटी का मामला है, ग्रेचुटी के अंदर बेसिक पे प्लस डीए, बिना डीए के देते हैं, बेसिक पे डीए होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक के स्पेशल अनुरोध है, वो तो बात नहीं करें, लेकिन बेसिक पे उसमें डीए भी पार्ट होना चाहिए, एक है ग्रेचुटी का भी प्रश्न है। इस प्रकार के सारे ग्रामीण बैंकों के अंदर अभी एक जो ठेकेदारी पर ठेकेदारी प्रथा के अगेंस्ट में है, आईएलओ कन्वेंशन का रेजोल्यूशन है, इसके अंदर भारतीय संसद ने पास किया है। ग्रामीण बैंक में हर शाखा में एक मैसेजर होना चाहिए, मैसेंजर्स के साथ ऑफिस बॉय रखे जा रहे हैं, ऑफिस बॉय रखे जा रहे हैं, उसके हमारा है एनआईटी अवार्ड के पैरा 4.410 के अधीन हर ब्रांच के अंदर एक परमानेंट मैसेंजर होना चाहिए और उसका काम करना चाहिए। आउटसोर्सिंग इस मैसेंजर का काम का नहीं होना चाहिए। ग्रामीण बैंक की रीढ़ की हड्डी मैसेंजर है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉइज फेडरेशन इंजुरा कर्मसूची কনফারেন্স আমি একজন বক্তা হিসাবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়েজ ফেডারেশনের কনফারেন্স। আজকে আমি গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়ি সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক বছর বছর যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে এইবারও সেইভাবেই কাজ করেছে। যদিও আমার কোনো ব্যালেন্স শিটের অডিট হয়নি, তবু আমরা খুব গর্ব করে বলতে পারি যে গ্রামীণ ব্যাংক হিসেবে ভারতবর্ষে 1 নম্বর পজিশনে থাকার যোগ্যতা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের আছে। এইবারও আমি ভালো প্রফিট বুক করে শক্ত ব্যালেন্স শিট একটা বানানোর প্রচেষ্টায় আছে, আর সেটাই বুঝিয়ে দেবে সারা ইন্ডিয়াতে যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক সত্যি একটা নাম্বার 1 ব্যাংক। আর আমি আশা করি আমার খুব সুন্দর ব্যালেন্স শিট এই মাসের শেষের দিকে তৈরি হবে। আর সাংবাদিক বন্ধুরা, প্রিন্ট মিডিয়া সবাইকে আমরা ইনভাইট করে আমরা খুব সুন্দর পরিবেশে সেটাকে আমি উন্মোচন করাবো। আর সবসময় ত্রিপুরার লোক আমার সঙ্গেই থাকে, এবার নতুন প্রসেসটারে আমরা ত্রিপুরার প্রত্যেকটা বাড়িতে আমার যাওয়ার প্রসেসটা এবার সবাইকে কানেক্ট করে একটা নতুন ত্রিপুরার নতুন গ্রামীণ ব্যাংক বানানোর চেষ্টায় এগিয়ে যাব। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.